दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष है। आप देख रहे हैं पोस्ट अभी अभी हम आए हैं माधोपुर पंचायत के उच्च विद्यालय ब्लॉक के समीप है, वहां पर आए हैं क्योंकि यहां पर बीएसएस स्मॉल फाइनेंस माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड द्वारा कुछ बेंच टेबल और चेयर इस विद्यालय को दिया गया है। सर लोग हैं यहाँ पर आए हैं, किस कंपनी से उनसे ही बात करते हैं। अच्छे मैम उपस्थित है क्योंकि अभी महाविद्यालय में छुट्टी है और टीचर लोग समय पर यहाँ पर आए हुए हैं। उनकी मौजूदगी में ही कितने चीज़ें यहाँ पर आए हैं वो साइन करेंगे, मैडम जी देखेंगे और हम सर से ही बात करते हैं। सर किस कंपनी से आप लोग यहाँ पर आए हैं? बीएसएस माइक्रो फाइनेंस से आए हुए हैं। हमारा वर्ग होता है जो वंचित वर्ग के लोग हैं, जो सामूहिक तौर से जो सूक्ष्म ऋण हम लोग प्रदान करते हैं गांव में जाके महिलाओं को, वहाँ से जो हमारा जो बेनिफिट होता है उसको लेके हम लोग जो सरकारी कोई संस्था हो या स्कूल हो या हॉस्पिटल हो तो ऐसे जगह को चुना जाता है जहाँ पे छोटे छोटे ननिहाल बच्चों सभी लोग उपस्थित होते हैं, वहाँ पे जो गरीब तत्व के लोग होते हैं उसके उत्थान के लिए हम लोग ये करते हैं। तो कितना यहाँ पर क्वांटिटी में क्या क्या चीज़ें यहाँ पर लेकर हैं? इसमें है अभी इनके माध्यम से 5 पीस ये डेस्क बेंच है और टेबल है, 15 पीस है जो टीचर लोग अपने अपने क्लास में लेके ड्रॉवल्स है, उसके बाद चेयर है जो लोहा का चेयर है जो टीचर के लेके हैं 10 पीस है, उसके बाद प्लास्टिक चेयर है नीलकमल का वो 15 पीस है जिसमें 2 पीस खराब है तो वो डैमेज है, वो रिटर्न चला जाएगा फिर से वापस आ जाएगा। तो ये सर जो आपकी संस्था है ये बीएसएस माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड, ये पूरे बिहार में जगह जगह काम करे या पूरे देश में? सर नहीं, पूरे ऑल इंडिया में काम कर रहे हैं। यस, तो सिर्फ इसको गवर्नमेंट जगह या कोई प्राइवेट संस्थान होगा वहाँ पर भी आप लोग इसका कर रहे हैं? नहीं, हम लोग जो होता है गवर्नमेंट का उसको भी उनको भी टैक्स मिलता है, कहीं से भी हम लोग बिहार में मेरा 108 ब्रांचेस अभी चल रहा है कंटिन्यू 108। यस, हमारा यहाँ मानार में भी ब्रांचेस है, जो भी यहाँ आसपास में भी मोहल्ला में लगभग 8-10 सेंटर करीब 100-150 महिलाएँ जुड़ी हुई हैं, जो सभी ये लोग बच्चे लोग नहीं जानता होगा, ये लोग सभी घर से भी लोग लोन लिया होगा। अच्छा, पूरा नाम सर एक बार बता दीजिए बीएसएस का। भारत स्वमुक्ति संस्थान। स्वमुक्ति संस्थान, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम हरिनंदन कुमार हुआ और जो ये कंपनी है बीसी कोटक महिंद्रा बैंक के अंतर्गत काम करती है। अच्छा। जो हमारा बीएसएस माइक्रो फाइनेंस है वो कोटक महिंद्रा बैंक के अंतर्गत, जो हमारा बीएसएस का जो होता है उसमें हमारा सभी लोग एम्प्लॉय हैं, इसमें कोई मैनेजमेंट डायरेक्टर नहीं है, जो भी हैंडल करते हैं हमारा बीसी कोटक महिंद्रा बैंक करते हैं। चलिए धन्यवाद सर। यहाँ पर देखिए एचएम मैम उपस्थित हैं और सर लोग भी हैं। सर आपने ये जो अभी देखा कितने टेबल बेंच है आप लोगों को यहाँ पर काउंट करने? सर जैसा जी सर बताए 15 टेबल हैं और 5-20 बेंच डेस्क हैं जी, और 20 प्लास्टिक टेबल था, 10 पीस कुर्सियाँ हैं। तो सर प्रथम दिन आए थे इनके स्टाफ, हमसे बात हुई थी तो बोले कि हम लोग अपने बेनिफिट का 1-2% चैरिटी के रूप में दान देता हूँ, जहाँ बच्चे ननिहाल हैं और जहाँ पर संसाधन के अभाव है। तो मैंने कहा जी मेरे यहाँ आप जरूर अनुदान कीजिए, मैं इसके लिए आपको सद धन्यवाद अवश्य दूंगा विद्यालय की तरफ से। सर आप कहाँ से आए हो? सर आप? मेरा नाम मुकेश कुमार हुआ, मैं बीएसएस माइक्रो फाइनेंस में एरिया मैनेजर के पोस्ट पे वर्क कर रहा हूँ और ये महनार ब्रांच जो है अभी मेरे ही अंदर आ रहा है जी। ये हमारे जोनल मैनेजर सर हैं जो इनके अंदर अभी 15 ब्रांचेज चलते हैं। तो हमारा कंपनी का जो कुछ बेनिफिट होता है वो हर साल जो किसी न किसी सरकारी संस्था में डोनेट करते हैं, इसी के माध्यम से हम लोग आज इस स्कूल में गढ़ी उत्क्रमित मध्य विद्यालय में अपना योगदान दे रहे हैं और हमारे बीएसएस संस्था की ओर से बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए ये उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं। चलिए, आज छुट्टी का दिन था इसलिए कुछ बच्चे नहीं आ पाए हैं। देखिए एक छोटा सा, जैसा कि कह रहे हैं कि कोटक महिंद्रा का यह फाइनेंस है बीएसएस माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड, इनके द्वारा हर साल जो इनका इनकम होता है उसमें से कुछ प्रतिशत ऐसे ही नौनिहाल बच्चे या जो विद्यालय हैं गवर्नमेंट विद्यालय हैं उसमें ये डोनेट करते रहते हैं। आप देख रहे हैं पोस्ट टीवी भी, आप
अगर इस संस्थान से जुड़ना चाहते हैं तो सर लोग से कनेक्ट कर सकते हैं, या आप कोटक महिंद्रा के वेबसाइट पर जाकर या BSS माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड कंपनी के वेबसाइट पर जाकर वहां पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।